नमस्कार, आप देख रहे हैं TV 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। सावन का पावन महीना है और इस पावन महीने में आज शिवरात्रि मनाई जा रही है। आज देश भर में शिवरात्रि मनाई जा रही है और सावन शिवरात्रि के पावन अवसर पर सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लोग भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं और शिव की गूंज और बम बम भोले के नारे के साथ मंदिरों में लोग पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा निकाली गई थी और इस कांवड़ यात्रा का समापन आज सावन शिवरात्रि पर हो रहा है। सभी कांवड़िए गंगा से लाए हुए पवित्र जल को शिवलिंग पर चढ़ाकर आज अपनी कांवड़ यात्रा का समापन कर रहे हैं। ये टीवी स्क्रीन पर आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन 6 तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के अलग अलग जगहों पर अलग अलग शिवालयों पर भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। चाहे फिर वो चांदनी चौक की बात कर ली जाए, प्रयागराज की बात कर ली जाए, अयोध्या, हरिद्वार, मेरठ और कालकाजी मंदिर की बात कर ली जाए, अलग अलग जगह से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं बाबा शंभू के दर्शन करने के लिए। बाबा भोले का जलाभिषेक कर रहे हैं और कांवड़िए भी दूर दूर से पवित्र गंगा नदी का जल लाकर भगवान शंभू पर चढ़ा रहे हैं, उनका जलाभिषेक कर रहे हैं। आज की श्रद्धा भावना के साथ जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं, जो भक्त हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं और तमाम जगह अलग अलग जगह से तस्वीरें आपको TV 27 न्यूज लगातार दिखा रहे हैं। और ऐसे में हमारी संवाददाता काशी से आंचल जुड़ चुके हैं। आंचल, काशी की बात की जाए तो वहां पर क्या कुछ रौनक देखने को मिल रही है? अगर शिवालयों की बात करें तो क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? भक्तों की किस संख्या, कैसे वहां पर भीड़ लगी हुई है, क्या कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है? आंचल, वो तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल आर्या, अगर काशी की बात हो और सावन का महीना हो तो ये बेहद रोचक और बेहद अद्भुत बन जाता है। और आज सावन का जो शिवरात्रि का दिन है वो बेहद खास है काशी में। जिस तरीके से काशी में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं एक श्रद्धा भाव के साथ, कांवड़िए जो है उनकी एक लंबी कतार भोर से ही देखने को मिल रही है, वो बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाने आए हैं। जिस तरीके से मान्यता है कि आज के दिन बाबा को जल चढ़ाने से श्रद्धालुओं की, कांवड़ियों की जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। भगवान शिव के ने जब अमृत मंथन हो रहा था तो विष का जो विष पी लिया था उसके कारण जो उनको बेचैनी हुई थी, आज ही के दिन जल चढ़ा लेने से उनको ना कहीं ठंडक मिलती है। और काशी की बात की जाए तो काशी में इसका एक अलग उत्साह, एक अलग धूम देखने को मिल रहा है। आगे बिल्कुल आंचल, और हमारी सहयोगी हमारे संवाददाता खुशबू भी गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। खुशबू, जहां पर आप मौजूद हैं, जिस शिवालय में आप मौजूद हैं, वहां की क्या कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है? भक्तों में किस हिसाब से उत्साह देखने को मिल रहा है? खुशबू जी, आ रहा, हम इस वक्त मौजूद हैं गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मठ महादेव पे। अभी आप हमारे पीछे देख सकती हैं, ये कांवड़ का एक स्वरूप है, शिव जी को बना के कंधे पे रख के एक भक्तगण बहुत दूर से लेके आए हैं। ये भी कांवड़ है, इनको लेके आए हैं, अभी वो जल चढ़ाने के लिए अंदर गए हुए हैं जो भी। और देख सकती हैं आर्या की कितनी खूबसूरत, ये कितना खूबसूरत है, प्रतिमा है, कांवड़ के रूप में है और बहुत ही जो भक्तों की भक्ति है और एक एक और अपनी भक्ति दिखाने का जो अनोखा अंदाज है आर्या, वो इन्हीं सभी माध्यमों से आपको दिख सकता है कितनी खूबसूरत प्रतिमा और कितनी क्रिएटिविटी करके लेके आए हैं। शिव जी को बना के कंधे पे बिठा के लेके आए थे, कांवड़ है ये। और साथ ही अभी देख सकते हैं आप, यहाँ पे आर्या कांवड़ियों का भीड़ लग चुका है, जो आम लोगों की लाइन है इस तरफ, ये जो लाइन है ये कांवड़ियों की लाइन है और ये बैरिकेड के उस तरफ की लाइन है जो वो आम लोगों की लाइन है। हालांकि अभी आम लोगों की लाइन जैसे ही जैसे कांवड़िए आ रहे हैं उनको रोका जा रहा है। हाल फिलहाल कांवड़िया आना शुरू हो चुके हैं। हालांकि कांवड़ का जो मुहूर्त है कांवड़ियों का जल चढ़ाने का बताया जा रहा था 3:26 से है, लेकिन यहाँ पे कांवड़िए आने शुरू हो चुके हैं और लगातार जो है आस्था का जो उनका दृश्य है वहाँ वो देख सकती हैं आप। यहाँ पे महंत जी भी हैं, जो ये मठ के महंत जी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे बाबा क्या महिमा है इस मठ की और क्या। सावन का जो महीना चल रहा है, शिवरात्रि पर्व आज है, बड़ी विशेष कृपा है इस महीने में भगवान शंकर के। जब 14 रथ निकले थे मंथन में
तो उसमें एक अमृत भी निकला आता है और एक विष भी निकला आता है। तो भगवान शंकर ने कि ये विष पृथ्वी पर न गिरे कहीं, क्योंकि प्रलय हो जाएगी, तो उन्होंने अपने कंठ में इसको धारण कर लिया। इतनी गर्मी थी इस विष में कि उन्होंने कंठ में धारण किया तो वो विचलित हो गए। देवताओं ने कहा इनको शांत कैसे किया जाए, तो जल लाके, गंगा जल ला करके उनके ऊपर डाला गया, तो कुछ विष का असर कम हुआ। भगवान शंकर अपने ध्यान में चले गए। तो जब से ये प्रथा चली आ रही है कि गंगा जल लेकर के भगवान शंकर पे चढ़ाया जाए, जिससे कि इस मंदिर की अगर बात की जाए, इस मठ की बात की जाए, तो इसकी क्या महिमा है? क्या महिमा ऐसा है कि बेटा, ये जब पहले की बात है, 1857 के लगभग की बात है, यहाँ पर पूरा जंगल हुआ करता था। रावण के पिता विष्णु शर्मा यहाँ पूजा करने आया करते थे, तो पूरे जंगल में जब वो ध्यान लगा के तपस्या करते थे, तो भगवान शंकर ने साक्षात दर्शन दिए उनको और वह स्वयंभू के रूप में यहाँ विराजमान हुए। गांव से गाय आती थी, खड़े होकर दूध देती थी और चली जाती थी। गांव वाले देखा कि यहाँ दूध गाय क्यों देती है, दूध कहाँ गायब हो जाता है। जब खोज की गई तो यहाँ शिवलिंग रूप में भगवान शंकर निकले, स्वयंभू प्रकट हुए भगवान शंकर यहाँ स्वयं प्रकट हुए, जिससे कि छत्रपति शिवाजी ने उस दौरान इसका जीर्णोद्धार करवाया और आज वही स्थान दूधेश्वर, दूध से प्रसन्न होने वाले ईश्वर दूधेश्वर कहलाए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ कांवड़िए भी हैं आर्या, उनसे भी बातचीत करेंगे। कहाँ से आप लोग जल लेके आ रहे हैं? हरिद्वार से। कहाँ से आए हैं? हरिद्वार से। हरिद्वार से पैदल यात्रा किया है? पैदल। क्या शिव जी से क्या मनोकामना रखते हैं? बस परिवार खुश रहना चाहिए हमारा। आप कहाँ से आ रहे हैं? जी हम गाजियाबाद से, हरिद्वार से आ रहे हैं मैम। आप देख सकती हैं आर्या, ये जो लगातार जो दूर तक कांवड़ियों का की भीड़ है, लोगों के पैरों में पट्टियां बांध के लोग यहाँ पे आए हैं, छाले पड़ जाते हैं क्योंकि पैदल चलने की वजह से। देख सकती हैं कि लोगों का जो पैर है कट चुका है, छाले पड़ गए हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप जलने? हम हरिद्वार से। हरिद्वार से आ रहे हैं पैदल? आपने पूरी यात्रा? हाँ जी पैदल। चोट लग गई? नहीं, ये छाले पड़ गए थे। छाले पड़ गए हैं। बाबा की महिमा है कि इसका कोई असर नहीं होता? नहीं, कोई असर नहीं होता। हमें बहुत दिन हो गए, 15 भी कांवड़ है। अच्छा, यहाँ पे आर्या पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी बढ़ चढ़ के ये जो कांवड़ यात्रा है जो उसमें भाग ले रही हैं। कुछ यहाँ पे महिलाएं भी हैं, आप भी कांवड़ लेके हाँ, आ रही हैं? कहाँ से? हरिद्वार। हम सेक्टर 62 नोएडा से पैदल आ रही हैं। हाँ पैदल। तो ये ऐसे आप देख सकती हैं कि यहाँ पे महिलाएं भी हैं जो कांवड़ लेके आ रही हैं। आप कहाँ से आई? हरिद्वार से। हरिद्वार से पैदल ही आ रही? बाबा से क्या ऐसी मनोकामना है कि जो चाहती हैं? सब वो जो कुछ बाबा ने दिया है वो सब बाबा ही ने दिया है। मैं तो उन्हीं के तो ये जो आर्या है ये बात की जो जो भी है सब कुछ बाबा का ही दिया हुआ है और बाबा ही ने ही दिया है, उन्हीं का है। और सावन का महीना है और महाशिवरात्रि है, मासिक शिवरात्रि है आज, और लोग जो है भक्तगण जो है उनकी भीड़ मंदिरों में दिख रही है। जिस मंदिर में हम हैं खास महिमा है, इस मंदिर की खास प्रसिद्धि है, इसीलिए कांवड़िए दूर दूर से पहुंचते हैं यहाँ पे और दूर दूर से लोग आते हैं। जैसा कि आप सुन सकती हैं, लगातार लोग हर हर महादेव की का जयकारा लगा रहे हैं। बच्चे भी आए हैं आर्या, बच्चे भी छोटे छोटे कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो आप? हम हमारे छोटे हरिद्वार से। छोटे हरिद्वार से पैदल लेके आ रहे हो? तो देख सकते हैं कि उम्र की भी कोई बाधा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, चाहे वो बच्चा हो। छोटे छोटे बच्चे हैं आर्या जो लेके आ रहे हैं कांवड़ हरिद्वार से, छोटा हरिद्वार से, दूर दूर से पैदल यात्रा करके आ रहे हैं। तो भक्ति आप सोच सकते हैं कि जो बड़े हो, बूढ़े हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, भक्ति का जो एक वो है वो इतना
चरम पे है अपने सावन के का महीना आते ही पूरा जो सनातन धर्म है सभी हर कोई भक्त। बिल्कुल खुशबू, ऐसे एक संदेश ये भी जाता है कि आस्था में कोई भी रुकावट नहीं बन सकता है, चाहे फिर वो कोई भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में शंभु के जो भक्त हैं वो शंभु के दरबार पहुंच रहे हैं, हरिद्वार से जल ला रहे हैं, दूर दूर से लोग पवित्र नदियों से जल ला रहे हैं। खुशबू, अभी आपने वो तस्वीरें दिखाई जिसमें चाहे फिर महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, हर वो शख्स है जो शंभू का भक्त है और शंभू के दर्शन करने के लिए आता है। ऐसे में उन महिलाओं से जानने की कोशिश करिए खुशबू कि कैसे वो इतनी दूर से इतनी यात्रा कर रही हैं, क्या उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं हुई है और आज वो फाइनली बाबा के दरबार पहुंच चुके हैं। खुशबू जी, जी आ रहा बिल्कुल, यहाँ पे एक बच्ची भी है हमारे साथ। आप कहाँ से लेके आ रहे हो? छोटा हरिद्वार से। तो इतनी दूर से आप आ रहे हो, परेशानी मतलब लड़की होने के बाद बहुत सारी बाधाएं होती हैं, किस तरीके कुछ परेशानी हुई? हाँ बस परेशानी ही है, कोई परेशानी नहीं। आर्या मुख्य बात ये होती है कि अगर मन में आस्था हो तो हर बाधाएं पार हो जाती हैं, चाहे वो महिला हो चाहे आप कहाँ से लेके आ रही है? छोटे हरिद्वार से। हरिद्वार से तो किस तरीके की परेशानी हुई है रास्ते में आपको? बहुत परेशानियां हुई हैं, पैर में बहुत सारे, फिर भी हिम्मत नहीं हारे? नहीं हिम्मत नहीं हारे, बाबा की कृपा है, सब बाबा के पास आने के बाद फिर कुछ। बाबा की जो कृपा है, बाबा की जो महिमा है आर्या, वो लोगों के जो हिम्मत टूटने नहीं देती है, लोगों की जो हिम्मत होती है वो टूटने नहीं देती है, लोगों की हिम्मत बांध के रखती है। बहुत सी महिलाएं हैं जो आई हुई हैं, आप कहाँ से लेके आ रही हैं? मैं अपने भोले के साथ आई हूँ। भोला लेके आया? भोले के साथ लेके आई हैं। अच्छा, तो आप कहीं मतलब हरिद्वार या छोटा हरिद्वार कहीं गई? हरिद्वार से लेके आए, लेकिन मैं घर से आई हूँ अपने भोले के साथ। अपने तो ये अपने भोले के साथ आई हैं, हरिद्वार से लेके आए हुए थे जल, उनके साथ आई हुई हैं। आर्या देख सकती है कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लगातार देख सकती हैं कि उम्र भी जो उम्र होती है वो भी बिल्कुल कोई भी बाधा नहीं खड़ी कर सकती है अगर मन में सच्ची आस्था हो। और बाबा की महिमा ही ऐसी है कि लोगों को खींच लाती है, सारी जो परेशानियां हैं उनको हराने की हिम्मत देती है, उनसे हारने नहीं देती है। जो बाबा की जो महिमा होती है वो लोगों को, जो भक्तगण है उनकी आस्था को टूटने नहीं देती है, बना के रखती है। इसीलिए जो लोग हैं लगातार आप देख सकती हैं कांवड़ियों की अभी लंबी लाइन लग चुकी है आर्या, काफी दूर तक बाहर से है जो कांवड़िया यहाँ पहुंच रहे हैं, आम लोग भी हैं जो शिवरात्रि की वजह से पहुंचे हैं यहाँ मंदिर में। हमारे साथ आपका एक बार फिर से रुक करेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी आलोक राजा जी लखनऊ से एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। आलोक जी, जिस हिसाब से आज सावन का पावन महीना है और खासकर आज शिवरात्रि है, और ऐसे में जहां पर जिस मंदिर में आप मौजूद हैं वहां पर भक्तों का उत्साह कैसे देखा जा रहा है, कितनी तादाद में भक्त पहुंचे हुए हैं वो तस्वीर बताइए और उसके बारे में बयां कीजिए आलोक जी। बिल्कुल अरे, आज महाशिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं टीवी 27 न्यूज के दर्शकों को, और आज सावन की महाशिवरात्रि है और इस दिन जलाभिषेक करने का विशेष पुण्य लाभ होता है। देखिए सुबह 7 बजे जब हम और आप लाइव कर रहे थे तब हम राजधानी लखनऊ में थे, लखनऊ के जो हनुमान सेतु मंदिर पे थे वहां के हमने दर्शन कराए थे, लेकिन अब हम इस वक्त हैं राजधानी लखनऊ से लगभग 7 किलोमीटर से भी ज्यादा बाराबंकी जिला में, जहां पर महादेव का मंदिर है, महादेव का घाट है, यहां पर मंदिर है, यहां पर ही तमाम सारे जो कांवड़िए आते हैं यहां पर दूर दूर से जल लेकर के जाते हैं और फिर वो अपने घरों की ओर प्रस्थान करते हैं। और आज ये पावन महादेव का मंदिर है, महादेव मंदिर। नीरज हमारे सहयोगी हैं, नीरज जरा महादेव जो मंदिर है यहाँ पर वो जरा तस्वीर दिखाएं। देखिए वो दूर दूर तक यहाँ पर, यहाँ से काफी दूर दूर लोग आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो होते हैं यहाँ पर जो जल लाते हैं यहाँ पर शिवलिंग की पूजा करते हैं। नीरज आप हमारे साथ जरा अंदर आइए और हम चाहते हैं कि हम वो तस्वीर भी जरा अपने दर्शकों तक दिखाएं, क्योंकि आर्या यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है। लेकिन नीरज आप आइए एक बार, हम फिर से देखकर दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखें, ये है जो महादेव का मंदिर, तो काफी इसकी बड़ी मान्यता है, इसके गर्भगृह में कहा जाता है पूजा। देखिए भीड़ ज्यादा है, हम देखिए गर्भगृह में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नीरज एक बार आप आइए जरा, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए अब रुद्राभिषेक भी चल रहा है, पूजा अर्चना चल रही है यहाँ पर, हम आपको सब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यहाँ की खास मान्यता है। और देखिए यहाँ पर जो है, क्योंकि भीड़ ज्यादा होती है, सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं, तो हर वो तस्वीर हम अपने दर्शकों तक दिखाना चाह रहे हैं। और आज इस मंदिर के पीछे जो है वो आर्या
तमाम सारी जो है वो मान्यताएं हैं कि लगातार यहाँ पर जो कांवड़िए होते हैं जो तप और ज्ञान और सत्य के साथ चलते हैं दूर दूर तक आते हैं और यहाँ आते हैं फिर यहाँ से वो अपने घरों के लिए जाते हैं, वो जलाभिषेक करते हैं और इसी को शायद कहते हैं जब महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व। आर्या जी बिल्कुल बिल्कुल आलोक जी, और जिस हिसाब से आपने वो तस्वीरें दिखाई हैं कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि बाबा शंभू के भक्तों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। काशी जहां पर कहते हैं कि एक धरती का स्वर्ग है, वहां से हमारी संवाददाता आंचल लगातार हमारे साथ बनी हुई। आंचल, काशी की बात करते हैं तो लोगों के मन में एक अलग सी तस्वीर आती है क्योंकि शंभू का गढ़ भी काशी को कहा जाता है, और ऐसे में अगर काशी की बात करें तो वहां से क्या कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है, भक्तों में उत्साह कैसा है, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, आंचल वो भी बताइए। बिल्कुल आर्या, काशी की बात हो और सावन का महीना, और आज सावन की महाशिवरात्रि है और आज के दिन ही तेरस का भी पर्व है, तो जिस तरीके से आप ये कतारों में श्रद्धालुओं को, कावड़ियों को, पुरुषों को, महिलाओं को, क्या बड़े क्या बूढ़े क्या छोटे, ये पूरी कतार आप देख सकती हैं आर्या, किस तरीके से कावड़िया में इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं आप? यूपी से हैं? बहराइच से आ रहे हैं? जिस तरीके से आ रहे हैं आप देख रही है कि बहराइच से लोग और तमाम कई अन्य जिलों से, कई अन्य शहरों से लोग बाबा के दर्शन करने, बाबा का जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। हम आपको आर्या दिखाना चाहेंगे, ये विश्वनाथ मंदिर का द्वार है जहाँ से श्रद्धालु और कांवड़िए जो है वो लंबी कतारों में जा रहे हैं और बाबा को जलाभिषेक कर रहे हैं। यहाँ पे आप प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं उसको भी साफ तौर से तस्वीरों में देख सकती है, तो किस तरीके से पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई है, पूरी चाक चौबंद। यहाँ पे कांवड़िए भी आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं? हम बाबा बैजनाथ धाम से आ रहे हैं। बैजनाथ धाम से आ रहे हैं? कितने हर्ष उल्लास के साथ आए हैं बाबा के दरबार? हम लोग हर साल जाते हैं बाबा बैजनाथ धाम के लिए। अभी हम लोग 108 किलोमीटर की दूरी तय करके आ रहे हैं बाबा बैजनाथ धाम के लिए, फिर बासुकीनाथ गए हैं, अभी हम लोग यहाँ काशी विश्वनाथ आए हैं। अब यहाँ दर्शन करेंगे फिर जाएंगे वाराणसी मार्केट में, वहाँ दर्शन करके मंगल हो और सबसे शुभ यात्रा, भगवान का मनोकामना पूर्ण। क्या आप मनोकामना लेके आ रहे हैं? सब खुशी रहे, सर्वे सर्वे कम दुनिया में, सर्वे भगवान पश्चिम जमा कश्मीर सुखभाग में। मैं बाबा विश्वनाथ से चाहता हूँ कि देश में सभी सुखी रहे, सभी निरोग रहे, सबको अच्छे संस्कार मिले और नशा से दूर रहे, नशा बिल्कुल न करें और बाबा की जय जयकार मनाते रहे। बोल बाबा कहाँ से आ रहे भैया? कल से है भगवान जलाभिषेक कर लिया बाबा का? एकदम अच्छे से हुआ, अच्छे से हुआ, व्यवस्था है, चौक चौबंद है। अंदर क्या नजारा देखने को मिला? बहुत स्वर्ग मिला, बहुत आनंद आ गया। कितनी भीड़ है, कितनी संख्या में भीड़ दिख रही है? संख्या तो अनगिनती है, संख्या तो गिनती नहीं कर सकते, जिस किसान लोगों को दर्शन करने में कोई दिक्कत अभी तक नहीं आई। क्या मनोकामना लेके आ रहे हैं प्रयागराज से काशी की पावन? बाबा के दर्शन का मुख्यता जो दर्शन प्राप्त हो गए उससे ज्यादा कुछ नहीं, बाबा को अपने देना है। जैसा कि देख सकती हैं आर्या, यहाँ पे जो कांवड़िए हैं, यहाँ पे सिर्फ एक शहर एक जिले की बात नहीं, जैसे हमारे धर्म में है कि विश्व का कल्याण हो की बात कर रहे हैं और बाबा बिल्कुल आचर बिल्कुल आचर और लगातार वो तस्वीरें एम टीवी 27 न्यूज के जरिए दिखा रहे हैं कि दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं वो शिवालयों में पहुंच रहे हैं, चाहे फिर कांवड़ यात्री हो, कांवड़िए हो या फिर आम भक्त हो, हर कोई बाबा के दर्शन करना चाहता है, शंभू के दर्शन करना चाहता है। खुशबू लगातार हमारे साथ बनी हुई है। खुशबू, जहां पर आप बनी हुई है उस शिवालय की तस्वीर आपने पहले भी दिखाई, लेकिन जिस हिसाब से सावन का महीना खुशबू बड़ा पावन होता है और शंभू ने विष का सेवन किया था ये कहा जाता है आज के दिन शिवरात्रि के दिन, इस दिन ये भी खुशबू कहा जाता है कि सावन खुद भगवान शंभू को जल चढ़ाने आता है और ऐसे में दूर दूर से कांवड़िए पवित्र गंगा नदी का जल लेके आ रहे हैं और भगवान शंभू को अर्पित कर रहे हैं। खुशबू जी बिल्कुल आ रहा, दूर दूर से कांवड़िए आ रहे हैं, दूर दूर से जल लेके कंधे पे कोई लेके आ रहा है, कुछ लोग जल का जो गैलन है वो हाथ में लिए हुए हैं
और दूर दूर से यहाँ पे मंदिर के परिसर में देख सकती हैं, काफी लंबी लाइन लगी हुई है और लगातार यहाँ पे जो कांवड़ यात्री हैं, जो कांवड़िए हैं, वो लगातार शिव जी के दर्शन कर रहे हैं, दुधेश्वर नाथ महादेव के दर्शन कर रहे हैं और लगातार उनका जलाभिषेक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हर कोई यही कामना कर रहा है कि शिव जी उनकी मनोकामनाएं पूरा करें, उनसे खुश हो, प्रसन्न हो। यहाँ पे लोग पैरों में आ रहे घुंघरू बांध के आ रहे हैं, कहते हैं कि घुंघरू बांधने से जो कांवड़िए हैं पैर जल्दी उठते हैं और जो चलने के वक्त उनको पैरों में दर्द कम होता है और पता कम चलता है, कहते हैं कि जो घुंघरू की आवाज होती है छन छन की, जिससे पैर जल्दी जल्दी उठते हैं और दूरी जो है जल्दी कम। जरा एक बार सब लोग जयकारा लगा दीजिए। बोल शंकर भगवान की, बोल माता पार्वती की, बोल गंगे माई की। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? दिल्ली। हाँ जी, तो देख सकती हैं वृद्ध व्यक्ति हैं, बावजूद इनके अभी यहाँ पे एक वो है, यहाँ देखिए ये कांवड़ की एक अलग वो है, कांवड़ शिव जी की ही पूरी प्रतिमा को बनाया हुआ है कांवड़ के रूप में और कंधे पे बिठाया हुआ है, कंधे पे बिठा के लेके आ रहे हैं। और अभी इन्होंने जल थोड़ी देर पहले आ रहा, मैंने फिर से दिखाया था जब शिव जी को इन्होंने उतारा था, हालांकि उनको रोक के बातचीत करना ठीक नहीं होगा क्योंकि वो भारी होगा, जो प्रतिमा है शिव जी की भारी होंगे तो थोड़ी उनको परेशानी होगी, तो इसलिए बाकी आर्या लगातार यहाँ देख सकती हैं आप, छोटे छोटे बच्चे भी। सबसे खूबसूरत चीज ये दिख रही है आर्या कि जो बड़े बुजुर्ग और की तो बात ही छोड़ दीजिए, छोटे छोटे बच्चे भी है, देखिए प्यारे प्यारे बच्चे हैं। कहाँ से आ रहे हो आप? हरिद्वार से आ रहे हैं। इतने छोटे छोटे बच्चे हरिद्वार से कांवड़ यात्रा करके जल लेके आ रहे हैं, क्या शिव जी से क्या मांगने आए हो? पेपर में पास करा दे, यही मांगने आए हैं। तो एक बार शिव जी का जयकारा लगाइए। महादेव, क्या मांगना है शिव जी से? हमें पास करा दिए पेपर। बच्चे कितने भोले होते हैं आर्या मन के, देख सकती हैं जी। इनकी मनोकामना यही है कि पेपर में पास करा दे, पेपर में पास हो जाओ, बस एयर पास हो जाओ, पेपर में पास हो जाए। इसके लिए छोटे छोटे बच्चे हरिद्वार से कांवड़ यात्रा करके यहाँ दुधेश्वर महादेव मठ पहुँचे हैं जलाभिषेक करने, शिव जी का अभिषेक करने। और ये मंदिर जो है, सावन माह है, शिवरात्रि का दिन है, मासिक शिवरात्रि का दिन है, बहुत ही सारे संयोग ऐसे हैं कि बहुत ही खास है, पवित्र है, लोगों की जो श्रद्धा है। और जैसे ही भोले बड़े अलबेले और यहाँ पे आप देख सकती हैं बड़े भोले हैं, और वो सारी तस्वीरें आपने दिखाई जिसमें चाहे बच्चे हो, छोटे छोटे बच्चे हो या वृद्ध लोग हो। उसका इलाज करने के लिए यहाँ पे जो है लगातार यहाँ पे डॉक्टरों की टीम भी बिठाई हुई है, डॉक्टर भी बैठे हुए हैं, देख सकती हैं आप, ताकि जिससे भी कांवड़ियों जो कांवड़िए आ रहे हैं दूर दूर से ये कांवड़ यात्रा करके, उनको अगर किसी तरीके की परेशानी होती है तो मंदिर प्रशासन की तरफ से ये शिविर लगाया हुआ है। मैडम बैठी हुई है, पूछते मैम अभी तक कुछ ऐसा कोई कैजुअलिटी या कोई केस आया? अभी नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं आया, अभी सब शांति से हो रहा है, बस भोले बाबा की कृपा रहे। और ऐसे सारे इंतजाम किए गए हैं, चाहे फिर वो पुलिस प्रशासन के हो, मेडिकल टीम की हो, हर वो व्यवस्था की गई है ताकि कांवड़ियों को और शंभू के भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आलोक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आंचल आपका भी और खुशबू आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने TV 27 न्यूज को वो सारी तस्वीरें दिखाई है, ग्राउंड जीरो से दिखाई है, क्योंकि सावन का महीना बड़ा पावन है और इस पावन महीने में हर कोई भगवान शंभू के दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन इतना ही, खबरों